ओके, सबसे पहली बात तो आज मैं पूछना चाहूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े हैं, कौन कौन नया है, जरा एक बार हाथ रेस करो, अपने अपने हाथ रेस करने हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो आज आपका फर्स्ट डे है, सो वेलकम टू आवर क्लास। ठीक है, तुम तुम्हारा अगला जीवन परेशान करने के लिए हमारे हाथ में दे रहे हो। ठीक है, हम इसको हक से बजाएंगे, ठीक है, और तुम्हारा जीवन परेशान करके रखेंगे। बट हाँ, जरूर एक चीज तुम्हारे साथ में अच्छी करेंगे कि अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी फाउंडेशन की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, सो जो लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में भी जो लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं और नॉर्मल फेस टू फेस में भी जो लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कुछ इनमें इंस्ट्रक्शंस दे दूं पहले। ठीक है, 2-5 मिनट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, उनको मैं बोलूंगा कि हाथाची घड़ी तुंडा और वोट। ठीक है, चुपचाप बैठे रहना एकदम। ठीक है, अभी अभी से तुम्हारी हरकतें दिखाना मत शुरू करना तुमने। ठीक है, चलो। सो जो नए नए ज्वाइन हुए उनसे मैं बोलना चाहूंगा, मेरा नाम है दर्शन खरे। ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम अमरावती सिटी। मैंने सीए कंप्लीट किया है जून 2009 में, सीएस किया है दिसंबर 2010 में, और मैं पिछले 10 साल से लॉ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एज अ फाउंडेशन हमने लास्ट कोविड के अंदर 6 मंथ्स पहले एक बैच रिलीज की थी, वो लाइव स्ट्रीम थी। दिस टाइम फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग अ फेस टू फेस बैच फॉर द फाउंडेशन। ठीक है, पर एज इट इज अ फर्स्ट बैच, इट इज क्वाइट स्पेशल टू अस, और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि इस बैच का बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे। अभी अभी हमने जस्ट बैच शुरू किया है, तो उसके साथ में मैं कुछ चीजें आपको प्रीच करना चाहूंगा। ठीक है, कुछ 5 लेक्चर्स हमने इसके पहले लिए हैं जो अभी आज स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, पर वो 5 लेक्चर कंटेंट लेक्चर बिल्कुल नहीं थे। हम सिर्फ लॉ के बेसिक्स क्लियर कर रहे थे कि लॉ मतलब क्या होता है, लॉ किधर से आता है, कौन से पैरामीटर्स के लॉ ऊपर लॉ होता है, लॉ का क्या फायदा होता है, हम क्यों लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स मैंने अभी तक क्लियर किए हैं। आज से तुमको ऐसा लगेगा, सर 5 लेक्चर पहले हो गए तो मेरे को आज से कुछ झेपेगा क्या? तो आपको सब झेपेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जब तक यहाँ पे हूँ, जिंदा हूँ तब, मतलब मैं जिंदा रहूंगा। ठीक है, सो मैं जब तक यहाँ पे हूँ, आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, एंड इन केस अगर ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप क्लास के बाद भी मुझे पूछ सकते हो, क्लास के विद इन भी मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास में पूछने को डर लगता है तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, दैट्स नॉट ए इशू। ठीक है, और आपका हर एक क्वेरी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जितने लोग नए आए हैं, 200 पेजेस की बुक बनाना। ठीक है, उसके ऊपर मस्त श्री वगैरह लिखना, रंगोली कम निकालना उसके ऊपर। ठीक है, और उस बुक को आपने यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। अभी भी हमारे 2-4 लेक्चर्स बेसिक के हम लेंगे आज से, जो मतलब देखो अभी तक 5 जो लेक्चर्स हुए वो बहुत ही ज्यादा बेसिक थे। आज से जो आपके लेक्चर्स होने वाले हैं बेसिक के, वो कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर आपका कंटेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ बेसिक होगा। जैसे आज हम हिस्ट्री जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, कि कौन, और जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जानना आज क्यों जरूरी है पता है? पूछो क्यों, प्यार से पूछो, ऐसे दादागिरी में मत पूछो, डर लगता है आदमी को यहां पे। ठीक है, ऐसे प्यार क्यों सर, अरे उससे क्यूट आवाज भी नहीं निकल रही है जीवन में, बोले क्यों सर। ऐसे प्यार से पूछो क्यों सर। ओके, सो आज हम जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम जो लॉज पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट और एलएलपी, ये लॉज पहले जम्मू कश्मीर को अप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे। और अभी अभी तुमने सुना होगा आर्टिकल 370 बोले बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाल के बाहर फेंक दिया, हाँ है ना? अमित शाह जी ने बीजेपी को देश के लिए जान दे देंगे बोले, हाँ है ना? क्या बात कर रहे हो आप? तो 370 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्यों निकाला गया वो आज हम समझेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले जम्मू कश्मीर को अप्लीकेबल नहीं था और एकदम से भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर को अप्लीकेबल हो रहा है। तो आज से जो आपके बेसिक्स आएंगे, इसके पहले के बेसिक बहुत ज्यादा बेसिक थे। अच्छा सर, हमको इसके पहले के बेसिक जानने हैं, मानने हैं, समझने हैं, कहां से देखे? तो यूट्यूब, ठीक है, YouTube के ऊपर अपना चैनल है मस्त, CACS दर्शन खरेज वाओ क्लास, लंबा नाम रखा है एकदम से। ठीक है, तो तुमको सर्च करना एकदम आसान जाएगा, उसके ऊपर जाना, खुदा की मेहरबानी से उसके ऊपर 1.25 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी है। ठीक है, तुम अगर तुम्हारा अगर धीरज बसे और उसके ऊपर तुम सब्सक्राइबर पे टिंग कर दो तो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ में वहां पे हमने फाउंडेशन का प्लेलिस्ट बना के रखा है, सिर्फ लॉ का नहीं, हमने मैथमेटिक्स, अकाउंट, सबके बेसिक्स का प्लेलिस्ट बना के रखा है, और इतने जबरदस्त बेसिक्स है कि वो चीजें आपको कहीं कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं 10 साल से, तो मैं फाइनल को लॉ पढ़ाना शुरू किया, सीए फाइनल को। ठीक है, पहले जीवन के 7 साल मैंने सिर्फ, 7 नहीं, 5 साल मैंने सिर्फ सीए फाइनल को पढ़ाया लॉ। ठीक है, और सीए फाइनल पे ही मेन रिजल्ट्स है। अगर आप मुझे जानोगे तो आपको शायद पता चलेगा कि मेरा क्राउड, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने आज तक पढ़ाए वो सबके सब सीए फाइनल के, और जो अब मैं 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स वगैरह यूट्यूब के ऊपर बोलता हूँ, उसमें से 1 लाख तो सीए फाइनल और सीए इंटर के ही होंगे। मैं पिछले 6 साल से सीए इंटर पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। और फिर अब मैं सीए फाउंडेशन के ऊपर आया, तो तुम समझ सकते हो कि भाई आदमी ऐसे एकदम से सातवीं आठवीं पास आदमी नहीं आया हमको पढ़ाने के लिए, कुछ तो भी अच्छा ही। सो इसलिए जो बेसिक्स मैंने आपको दिए है ना, वो कृपया करके इसलिए देखना, पांचों के पांचों लेक्चर्स है बेसिक, उससे आपके आगे पढ़ाने के ऊपर कोई असर नहीं होगा। आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%, ठीक है, दैट इज माई गारंटी। पर वो पांच बेसिक देखने से आप जब फाइनल लेवल तक के लॉ पढ़ने जाओगे तो आपको हर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग क्लियरली आएगा, ठीक है। तो वो पांच बेसिक्स देखना मत भूलना, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। समझ में आया पक्का? नए बच्चे जो आए वो समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्लास में मौन व्रत नहीं चलता, कुछ ना कुछ बोलने का, कुछ कुछ चीज बोल देने का, ठीक है। मैंने तुमको गधे को पैर कितने बोलो कि जो मन में आया आंकड़ा बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, तुमने कौन सा गधा देखा है, ठीक है। सो वापस पूछता हूं, गधे को पैर कितने? नए बच्चे बोलो एक बार जरा, बोलो बोलो, पांच ना, बहुत बढ़िया शानदार, आपके हिसाब से कितने? चार है, कितने बोलो? चार ऐसी ऐसे आंसर देना। ये देखो सिंपल सी बात है भाई, मैं एक चीज के ऊपर भरोसा करता हूं, हम जीवन में जिन टीचर से पढ़े ना वो राक्षसों से कम नहीं थे वैसा नहीं बोल सकते, आई एम वेरी सॉरी, बट उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, पर वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अभी तक के पढ़ाई हमारे हिसाब से, ये जनरेशन तक के हमारे हिसाब से पढ़ाई ऐसी होती थी कि पढ़ाई मतलब सीरियसनेस, कि एकदम आंखों में अंगारे लिए चेहरे पे सीरियस फेस लिए बगैर पढ़ाई नहीं हो सकती। बट राइट स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स वी आर ट्राइंग कि जरूरी नहीं है कि पढ़ना ये बहुत सीरियस टास्क हो, अच्छा खासा हंस के भी पढ़ा जा सकता है, क्या जबरदस्ती है? हाँ, कुछ कुछ जगह पे सीरियस होना जरूरी है, नहीं तो पूरा सब्जेक्ट ही मजाक में निकाल दोगे तुम, तो कुछ कुछ जगह पे सीरियस होना जरूरी है, वहां हम आपको सीरियस करेंगे जरूर, ठीक है। पर पढ़ाई हमारे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा सीरियस या आंखों में अंगारे लेने लायक टास्क नहीं है, ठीक है। अच्छे से प्यार से भी पढ़ाई हो सकती है। आप देखो जिन चीजों को तुम हंस के खेल के करते हो उन चीजों में तुम ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, राइट एवरीबॉडी, यस और नो? कभी तुमने क्रिकेट विकेट खेला होगा जीवन में? आ जाओ बेटा, कभी क्रिकेट वगैरह खेला है जीवन में? लड़कियों खेले हो क्रिकेट? नहीं सर, हमने तो कभी अच्छा जब कोई भी अच्छा लड़कियों के लिए शॉपिंग वॉपिंग की हो जीवन में? हाँ सर, वो बोलो जीवन में। सब लड़कों ने कभी क्रिकेट खेला होगा तो तुम हंसी मजाक में क्रिकेट खेलते हो, ऐसे एकदम सीरियसली आते हो क्या? नहीं, आज तो मैं क्रिकेट खेल के रहूंगा, ठीक है। या लड़कियां शॉपिंग जाती है, आज तो मैं ना पिंक कलर का टॉप तो मैं लेके रहूंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुम वो चीज हंसी मजाक में करते हो इसलिए तुम इन्वॉल्व होते हो। तो ये क्लास का प्रिंसिपल ये है भाई, ये क्लास का क्या, पूरे वाव क्लास का प्रिंसिपल ये है कि भाई साहब मस्ती मजाक में पढ़ना, सफर हमेशा मजाकिया होना चाहिए पर मंजिल सीरियस होनी चाहिए, ठीक है। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? सफर हमेशा मजाकिया होना चाहिए और मंजिल सीरियस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सफर सीरियस हो गया तो सीरियसली सफर हो जाएगा, अरे बोलो हाँ है ना। और अगर मंजिल मजाकिया हो गई तो फिर तो बेटा करके, मंजिल तो मजाकिया नहीं हो सकते ना भाई, हाँ है ना। तो जो ट्रैवल है वो आराम से करेंगे, हंसी खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे, पर जहां सीरियस होना है वहां जरूर होना है, ठीक है। सो पहले पांच लेक्चर, मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया पहले पांच लेक्चर आप यूट्यूब से देखिए, बहुत अच्छे बेसिक्स है, उसमें भी कोई दिक्कत है तो मैं यहीं पर अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आज से जो मैं लेक्चर लूंगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें समझ में नहीं आया। इनकेस 0.1% आपको लगता भी है तो क्लास के बाद आप मेरे को बिंदास पूछ सकते हो। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो। चलो बहुत बढ़िया, आज के लेक्चर के साथ शुरुआत करें हम, बोलो हाँ है ना। ओके, बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आते से ही तुम्हारे लिए मस्त एक स्टोरी लाया हूं, वो है जम्मू एंड कश्मीर का। सुनने की इच्छा है क्या? कि क्यों आर्टिकल 370 था और क्यों वो चला गया और क्यों नया वाला लॉ आया, आर्टिकल 370 क्यों निकाल दिया, सुनना है? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 370 के साथ में, रेडी, लेट्स गो। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, ठीक है, तो कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल यह है भाई साहब, लाइव स्ट्रीम वालों हाय, कोई क्वेरी है तो कृपया पूछ लीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल मेरा यह है, क्या आपको मालूम है आपके सिलेबस में कितने लॉज है, मालूम है या नहीं है? मालूम है सर? नो सर, यस सर, या यस सर, नो सर, कौन सा वाला? मालूम है सिलेबस में क्या है? अच्छा, अपन मालूम है, अपन सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, ये तो मालूम है पक्का।
अच्छा ये मान लू मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, लॉ। ठीक है, सो मैं पढ़ाता हूं लॉ, और लॉ के अंदर, अच्छा लॉ ये एक पार्ट है आपके लॉ और बीसीआर का, ये भी पता है कि आपका बीसीआर और लॉ उसमें से हाफ पार्ट है नियरली, क्या बोले एक बार जो से लॉ, और लॉ में हमको कितने लॉज देखने हैं, पांच। ये पांचों लॉज मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ बोलता हूं। तीन आपके बिजनेस लॉज है, तीन आपके कौन से लॉज है बोले एक बार, बिजनेस। पहला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और तीसरा है पार्टनरशिप एक्ट। और दो आपके कॉर्पोरेट लॉज है, दो आपके कौन से लॉज है बोले एक बार, कॉर्पोरेट। एक है कंपनीज एक्ट और दूसरा है एलएलपी एक्ट। ठीक है, कौन कौन से बोले एक बार, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। याद है, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इसके ऊपर चाहिए तो नोट लिखना चाहोगे एक आधा, लिख के रखो, मतलब सिलेबस भी पता रहेगा। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। ओके, हाँ, सो सबसे पहले लिख रहा हूं उसके अंदर, इन आवर सिलेबस देर आर फाइव डिफरेंट लॉज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। नीचे लिखना कैटेगरी वन बिजनेस लॉस, नीचे के लाइन में कैटेगरी वन बिजनेस लॉस, उसके अंदर पॉइंट नंबर वन या ए बी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। नाम लिखना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी को ईयर पता है? 19 नहीं मेरे भाई, 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर बी या पॉइंट नंबर टू, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ईयर किसी को पता है? 1930, वेरी गुड, ईयर है 1930। तीसरा लॉ पॉइंट नंबर सी कौन सा है? द पार्टनरशिप एक्ट, ईयर कौन सा है? 1932। क्लियर है कंसेप्ट सबको? पक्का? नीचे कैटेगरी नंबर टू, कैटेगरी टू, बहुत बढ़िया, लाइफ स्ट्रीम है। कैटेगरी नंबर टू, उसके अंदर कॉर्पोरेट लॉज, कैटेगरी टू इज अ कॉर्पोरेट लॉज, जिसके अंदर पॉइंट नंबर ए कौन सा है? द कंपनीज एक्ट, ईयर कौन सा है? 2013, अभी अभी नया नवेला, ताजा ताजा, करकरी गरम गरम, द कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरा बी, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ईयर किसी को पता है? 2008, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, आपने अभी अभी जो लिखा ना कैटेगरी टू में लॉ नंबर वन, क्या लिखा? लॉ नंबर वन नाम क्या लिखा? द कंपनीज एक्ट 2013। क्या तुम्हें मालूम है यही वो लॉ है जो अगले 5 साल तक तुम्हारी जीवन को झंड करता रहेगा। ठीक है, ये चीज को कृपया याद रखे। कंपनीज एक्ट का बहुत बेसिक इसके यहां पे हमको है, लेकिन कंपनीज एक्ट के ओरिजिनल 470 सेक्शंस में से 150 सेक्शन आपको आएंगे सीए इंटर पे। कहां आएंगे बोले एक बार? सीए इंटर। और 320 सेक्शन आएंगे सीए फाइनल पे। अच्छा लगा सुन के सबको, बोलो हाँ या ना। सो ये चीज को याद रखना, 150 सेक्शन कहां पे आने वाले हैं? सीए इंटर, और 320 सीए फाइनल। सर ये कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और एलएलपी, इनका कुछ नहीं है क्या ऊपर? नहीं, ये सब यही खत्म हो जाएंगे, ये फाउंडेशन में खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे से लॉ है ये, लॉ में इतना कोई ज्यादा टेंशन नहीं। हाँ, पर फाउंडेशन का बहुत बड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिसाइड होता है। कौन सा एक्ट से डिसाइड होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और जो पूरे सीए की जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा? कंपनीज।
कंसेप्ट समझ में आया मैं पैक का क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नौ सर, तुम हमें बताने वाले थे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, एंड बीच में से ही खिसक लिए सिलेबस के ऊपर। तुम्हें समझ में नहीं आ, हमें समझ में नहीं आता क्या है? ऐसा करोगे हमें नहीं पता चलेगा आप ऐसा कर रहे हो। बेटा मैंने तुमको सिलेबस पे इसलिए खिसकाया क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल यही है, उसके सिवा सिलेबस बताए बगैर नहीं ये सवाल पूछ नहीं सकता था। हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं कॉरपोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट, और कौन सा बोले एक बार, LLP। मेरा तुमसे सवाल यह है, दुनिया का सबसे पहला कंपनी कब बना था? कभी सुना है दुनिया का सबसे पहला कंपनी? एनीवन नोस? कभी सुना, देखा, परखा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडिया के ऊपर किसने राज किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था, ये सबको पता है? किसी को कंफ्यूजन है? कुछ गोरे लोग आए थे बोले वाट लगा के चले गए, है ना? पहले इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, अभी तंदूरी मुर्गा बचा सिर्फ, हम बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताओ ब्रिटिशर्स ने राज किया? अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी होगी बचपन में, जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, क्योंकि तुम हिस्ट्री ठीक से पढ़ते तो तुम सीए में थोड़ी आते थे, हाँ है ना। सो अगर तुमने हिस्ट्री बचपन में ठीक से पढ़ी होगी, तुमने सुना होगा ब्रिटिशर्स के कंपनी का नाम है द ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ सर, हाँ, यह दिस वन सर, यस, यही पहली कंपनी है सर दुनिया की? हाँ नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ये वन ऑफ द अर्लियर कंपनीज हो सकता है, पर दुनिया की जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है, जो 1602 में बनी थी, सन 1602 में बनी थी, और उसका नाम था द वोंगलो ऑक्टो कॉइद्रिच। सर एक तो तुम ना, एक तो हमें समझे ऐसा बताओ, नहीं तो साइन लैंग्वेज में तो ही बात कर लो। वोंगलो ऑक्टो कॉइद्रिच इट्स अ डच नेम, कंपनी का एक्चुअल नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम क्या था बोले एक बार? डच ईस्ट इंडिया। सर इसमें भी तो ईस्ट इंडिया आ रहा है, पर ये वो ईस्ट इंडिया नहीं है बेटा, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया वो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये डचेस की ईस्ट इंडिया कंपनी है। सर उस वक्त क्या ऐसा ट्रेंड था क्या, जैसे सर इधर टिकटॉक के ट्रेंड बनते हैं इंस्टाग्राम के, वैसा ट्रेंड था क्या कि सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम यूज करना है? बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो उस वक्त एक्चुअली जितने कंपनीज बने थे वो यूरोपियन कंट्रीज में बने थे। यूरोप पता है सबको? अच्छा 7 कॉन्टिनेंट है ये पता है? अरे बोलो ना भूगोल वाले मेरे दोस्तों, 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप में ही अलग अलग देश आते हैं, ठीक है, जिसमें डचेस भी आते हैं, ब्रिटिशर्स भी आते हैं, और उस वक्त उनके टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा प्रगत थी, इसलिए वो जहाज लेके या अफ्रीका के निच्चू से ऐसे घूमते 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 इंडिया की तरफ आए। तो उस वक्त की जितनी कंपनीज थी ना, उन्होंने सबने खुद का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा है मैक्सिमम लेवल पे। क्यों? क्योंकि हम ईस्टर्न ग्लोब में रहते हैं अर्थ के। अगर आप अर्थ को देखो तो हम ईस्टर्न ग्लोब में रहते हैं, हमें ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, और जो यूएस यूरोप है हम उसको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, हम उसको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, ये सबको पता है, हाँ है ना? क्यों कहते हैं? बिकॉज दोज आर इन द वेस्ट ग्लोब। वो कौन से ग्लोब में है बोले एक बार? वेस्ट ग्लोब। सर तुम लॉ की क्लास ले रहे हो, जियोग्राफी के ले ले हो, तो मैं आपको बोल दूं दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध है, ये आपको अभी समझ में आएगा। दुनिया की सबसे पहली कंपनी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट इज द फर्स्ट कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, जो जिसका शेयर कैपिटल था। पर इश्यू ये था, ऐसे कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल ये स्पेसिफिक डच किंग ने होल्ड करके रखा था। किसने होल्ड करके रखा था? डच किंग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने होल्ड करके रखा था, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कैपिटल डच किंग होल्ड करता था। कौन होल्ड करता था? डच किंग। और उस वक्त के कंपनीज को 3 डिफरेंट पावर्स मिलते थे। कितने डिफरेंट पावर्स मिलते थे? 3। कंपनीज को यह पावर है, हाँ किसको पावर है? कंपनीज को। उस वक्त की कंपनी सबसे पहली बात तो उस वक्त की कंपनीज खुद की आर्मी मेंटेन कर सकती थी, खुद तो ट्रेडिंग तो कर ही सकती थी, आजकल की भी कंपनीज ट्रेडिंग कर सकती है, पर उस वक्त की कंपनीज खुद की आर्मी मेंटेन कर सकती थी। क्या मेंटेन कर सकती थी? आर्मी। आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया के ऊपर राज किया ना तो खुद के सैनिक लेके आए थे। अरे हाँ ना, हिस्ट्री पढ़ी है, व्यापारी करके आए थे, राज करके चले गए। और व्यापारी कभी सैनिक लेके आते हैं क्या जीवन में? सोल्जर्स लेके आते हैं क्या? नहीं। पर ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के सैनिक लेके आई थी, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के सैनिक लेके आई थी, ठीक है। और उसके बाद में ये कंपनी को एक और पावर था, खुद का कॉजी गवर्नमेंट सेटअप करना। क्या सेटअप करना बोले एक बार? कॉजी गवर्नमेंट। कॉजी गवर्नमेंट मतलब जरा समझना, फॉर एग्जाम्पल नाम क्या है बोलो बेटा? अथर्व। सो अथया,
ठीक है। अतः कार्यक्रम की सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र संयोग कहा जाएगा, ठीक है। सो अथया, ठीक है, अपन नाम से किसी को बुलाते नहीं है, अपन पहले दो लेटर लेते हैं उसको या लगा देते हैं, ठीक है। सो अथया, समझो मैं इस देश का राजा हूं, मैं इस देश का क्या हूं, राजा, आई एम द किंग, कभी कभी तो लगता है अपुन ही भगवान है, ठीक है। तो अपन इस देश के समझो राजा है, मैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, लेट्स गो। अब मैंने अथया को देखा, अथया एक जबरदस्त सोल्जर था, एकदम खूंखार सिपाही, मतलब ये बाजार में सांड घुसना और सेना में अथया घुसना एक ही बात बनती थी, क्लियर है कंसेप्ट, कि भाई एक आधे सेना के खिलाफ अथया चला गया सबको निपटा के वापस आएगा। अब मेरे को अथया के ऊपर बहुत भरोसा आया, मैंने अथया को बोला, अथया भाई तू ना बहुत जबरदस्त सोल्जर, एक काम कर, तू ना ये जहाज लेके निकल, जिस जमीन पे जाएगा उस जमीन पे बम मारकाट कर, खून खराबा कर और वहां पे खुद का पूरा बेस बना। अथा बोले ओके सर बेस्ट। मैं बोला ब्रुक सुन तो ले, पूरा तो सुन ले, बेस बना के करेगा क्या, तो जहां तू बेस बनाएगा वहां मेरे नाम का परचम लहरा, चक्रवर्ती सम्राट दर्शन, समझ में आ रहा है, तो मेरे नाम का परचम लहरा, ये ले झंडा और लेके जा और वहां मेरे नाम का झंडा लहरा और फिर वहां के एरिया, क्यों लैंड को लोग पहले क्यों कॉन्कर करते थे, क्योंकि लैंड से रिसोर्सेस मिलते थे, लैंड से क्या मिलते थे, रिसोर्सेस, खाना बनता था, चावल बनते थे, सभी जितने पिक है एग्रीकल्चरल क्रॉप बनते थे, खनिज मिलते थे, है ना, माइनिंग किया करते थे लोग, पानी मिलता था, कितनी सारी चीजें लैंड से मिलती थी। तो मैंने अथा को बोला जा कोई भी एरिया को कॉन्कर कर, वहां मेरा झंडा लहरा और वहां की गवर्नमेंट भी तू ही सेटअप कर, सिर्फ गवर्नमेंट का हेड मैं रहूंगा, ठीक है, वहां के लोगों को भी तू ही एम्प्लॉय कर सिर्फ, पर ये पूरे सिस्टम का हेड कौन रहेगा, मैं तेरे को ऑर्डर देगा, तूने करना है जो करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या सेट किया बोले एक बार, कॉजी गवर्नमेंट, मैंने क्या सेट किया बोले एक बार, कॉजी गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे ही क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इंडिया में कॉजी गवर्नमेंट सेट किया था, नहीं तो आप सोचो क्वीन ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड में बैठी है, वो कहां बैठी है बोले एक बार, इंग्लैंड में, वो इंडिया को कैसे चला रही थी, इट इज बिकॉज ऑफ क्या बोले एक बार, उसे कॉजी गवर्नमेंट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सर कॉजी मतलब, कॉजी मतलब काइंड ऑफ यू कैन से डेलीगेटेड गवर्नमेंट, डेलीगेशन सुना है, डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ वर्क सुना है, मैंने तुमको काम सौंप दिया, ठीक है, मैंने अथा को माउस दिया, अथा को बोला ये सब जितना भी सिस्टम है तू संभाल, आई हैव डेलीगेटेड द वर्क, समझ में आ रहा है। सो अगर मैंने तुमको सिस्टम सौंप दिया, मैंने तुमको गवर्नमेंट डेलीगेट कर दिया, तो कॉजी गवर्नमेंट, तो कौन सा गवर्नमेंट बोले एक बार, कॉजी। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, तीनों पावर समझ में आ रहे हैं, सब जन बोलो हाँ या ना, ओके। सो सबसे पहला पावर कौन सा है, ट्रेडिंग, दूसरा आर्मी, तीसरा, अब देखो ये चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलती थी। ब्रिटिशर्स जब पहले इंडिया में आए ना, मैं डच ईस्ट इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं, ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम जब इंडिया में आए ना, मैं पूरा दिखाना चाहूंगा। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, सिमिलर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके भी सेम पावर्स थे, सेम पावर उसको थे। तो जब फर्स्ट टाइम इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, वो आए बे ऑफ बंगाल से, वो कहां से आए बोले एक बार, बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से आए। और अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लड़ाई लड़ी वो बंगाल के छोटे नवाब के साथ लड़ी थी, ये आपका अखंड भारत, अरे हाँ या ना, ये आपका अखंड भारत। और पहली लड़ाई उन्होंने किसके खिलाफ लड़ी थी, बंगाल का छोटा नवाब, और बंगाल के छोटे नवाब को उन्होंने हरा के पहला यूनियन जैक, यूनियन जैक ब्रिटिशर्स के झंडे का नाम है, तो पहला यूनियन जैक उन्होंने बंगाल में लहराया था, कहां लहराया था बोले एक बार, बंगाल, क्लियर है कांसेप्ट। पहला यूनियन जैक जब बंगाल में लहराया तो ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया की तरफ देखा, और इंडिया का तो उस वक्त मतलब चेहरा मोहरा अलग था, ऊपर आदिल शाही, निजाम शाही, औरंगजेब, मराठा, पोर्तुगीज, क्रिश्चन, डच, मतलब जितने लोग आक्रमण कर सकते थे सब इंडिया में ही आक्रमण करके बैठे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इन सबसे लड़ेंगे बोले, अगर इन सबसे लड़े, सबको पता चल गया कि हम सबको मारने आए, तो ये मारते मारते हमको घर तक लेके जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं, प्लान बहुत बेकार है, अपन एक मस्त काम करते हैं। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त के जो राजा महाराजा थे, उस वक्त के जो क्या थे, राजा महाराजा, उनको ऑफर दिया कि तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारी जो सल्तनतें है वो सिर्फ व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स के हाथ में दो, तुम्हारी सल्तनतें व्यापार करने के लिए किसके हाथ में दो बोले एक बार, ब्रिटिशर्स। और फिर ब्रिटिशर्स उन सल्तनतों में से रिसोर्सेस लेंगे और उन रिसोर्सेस को यूरोप, यूएसए में बेचेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अथया ने खुद, अथया एक राजा है, फॉर एग्जाम्पल इसने इसकी सल्तनत मेरे हाथ में दी, मैं ब्रिटिशर हूं, तो मैं अथया से लगान वसूलूंगा, लगान सुना है ना,
दो गुना लगान देना पड़ेगा वाला। लगान मूवी देखा है तुमने? अरे बोलो ना, हाय आना, वो कचड़ा वाला, पकड़ कचड़ा, हाय ना, वही वही वाला, उसमें कचड़ा ही याद रहता है, आमिर खान किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। सो मैंने अथिया को, अब मैं जब अथिया से सल्तनत लूंगा तो मैं अथिया को बोलूंगा कि तेरे राज्य में जितना भी बनता है खाना पीना, वो उसका स्पेसिफिक 50% तू मुझे देगा। ये 50% जो मैंने अथिया से लिया, मैंने यूरोप में बेचा, यूएसए में बेचा। कहां कहां बेचा? यूरोप, यूएसए। प्रॉफिट आया, आधा मैंने रखा, आधा अथिया को दे दिया। क्लियर? ऐसे करते करते अब राजा महाराजाओं को बैठे बिठाए इनकम मिल रही थी ना, राजा को खेती करनी थी ना, राजा को कुछ बनाना था, तो राजा ने खुद की सल्तनत रिसोर्स के लिए दे दी ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने उसमें से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। पर राजा महाराजा एक चीज भूल गए कि जो लोग कंट्री के रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है वही कंट्री को भी कंट्रोल करता है। जो लोग आपके क्रॉप्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके खेती को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके खनिजों को कंट्रोल कर रहा है, माइनिंग को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है, वही तो आपके देश को कंट्रोल कर रहा है ना। बोलो हाँ या ना। इस चक्कर में कई सारे राजाओं ने ब्रिटिशर्स को सल्तनतें दे दी और पूरे इंडिया में यूनियन जैक लहराने लगा, और इस प्रकार हम ब्रिटिशर्स के डिक्टेटरशिप में आ गए। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर। नो, इसलिए बोला जाता है व्यापारी करके आए थे और राज करके चले गए, व्यापारी करके आए थे और क्या करके चले गए? राज। बस यही ट्रीटी की वजह से। यहां तक आइडिया क्लियर हो रहा है सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? पक्का सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब सीधा जंप मारते हैं 1947। क्या हुआ था 1947 में? पार्टीशन नहीं हुआ था, देश को आजादी मिली थी नालायक आदमी, पहले पार्टीशन याद आ रहा है उसको, पार्टीशन हुआ था बोले, आजादी मिली थी 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली थी। बोलो हाँ या ना। अरे याद है ना पक्का मेरे देश के आजाद नागरिक को? याद है ना 15 अगस्त? याद है पक्का? चलो गुड। सो 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, इनकलाब, जिंदाबाद, साइमन, गो बैक, कुछ याद आया ये सर? 15 अगस्त को जब हमको आजादी मिली ना, तो इंडिया में पंत प्रधान की पोस्ट के लिए, पंत प्रधान की जगह के लिए दो लोग उठ खड़े हुए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे मोहम्मद जिन्ना। दो लोग उठ खड़े हुए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे मोहम्मद जिन्ना, और दोनों लोगों को पब्लिक का तगड़ा बैकिंग था, और दोनों लोगों का महात्मा गांधी जी के साथ में अच्छा खासा साज ये था कनेक्शन। तो दोनों को जब पूछा गया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, दोनों बोले मैं। अब गांधी जी सोच में पड़ गए, क्योंकि मोहम्मद जिना वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन मुस्लिम एसोसिएशंस, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस बेसिकली। अब मैक्सिमम बैकिंग मुस्लिम कम्युनिटी का मोहम्मद जिना को था। अब इसमें रिलीजियस एज सच कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, पर मैक्सिमम बैकिंग पॉपुलेशन का उधर था, और जो बचे हुए पॉपुलेशन का बैकिंग था वो पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को था। गांधी जी ने भी सोचा कि यार आज अगर मैंने किसी एक को प्राइम मिनिस्टर कर दिया तो कल जाके झगड़े होंगे, असैसिनेशंस होंगे, एक आदमी दूसरे को मारेगा, और हुए भी तो है ना, इंदिरा गांधी को मार डाला, राजीव गांधी को मार डाला, इंडिया में असैसिनेशन हुए प्राइम मिनिस्टर्स के। इन्होंने सोचा गांधी जी ने कि भाई साहब अगर मैं किसी एक को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दूं तो दूसरी पूरी कम्युनिटी बेकार हो जाएगी, दूसरी पूरी कम्युनिटी कॉन्फिडेंस में नहीं आएगी, देश चल नहीं पाएगा। समझो आपने मोहम्मद जिना को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया तो पूरा का पूरा हिंदू समाज या बाकी भी जो समाज है वो अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को कर दिया तो मुस्लिम एसोसिएशन इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये जब गांधी जी को समझा तो गांधी जी ने सोचा चल भाई ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर दो लोगों को डिक्लेयर करेंगे और दोनों लोगों को बोलेंगे कि भाई साहब तुमको जो कम्युनिटी बैकिंग करती है उसके हिसाब से तुम तुम्हारी ज्योग्राफी डिवाइड करवा लो, और दैट वाज द फर्स्ट रीजन फॉर डिविजन ऑफ द इंडिया। ये बैकिंग अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ राइट पर्सन कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं कि भैया ये पार्टीशन सही था या गलत था, ठीक है, हर चीज का कोई सही कोई गलत एंगल होता है। पर इससे हुआ ये, मोहम्मद जिना ने डिक्लेयर किया आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर माई ज्योग्राफी, और जितने भी इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन के उस वक्त के जो लीडर्स थे, सब लीडर, मेन लीडर तो मोहम्मद जिना थे, जो सब लीडर थे उन्होंने सबने मोहम्मद जिना को सपोर्ट दिया, और जितने भी मुस्लिम्स
जाना चाहते थे पाकिस्तान में, उन्होंने खुद का पाकिस्तान बना लिया। जितने हिंदू कम्युनिटी, इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी, इंक्लूडिंग फारसी कम्युनिटी, इंक्लूडिंग बाकी सिख समाज वगैरह, जिन्होंने ये चूज किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो इंडिया में ही रहे। एंड तब जाके यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का पहला नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटिंग वेरियस रिलीजन्स एंड मोहम्मद जिना वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट ओनली वन सिंगल रिलीजन, और इस वजह से फायरनी हो गई। मोहम्मद जिना ने बना लिया पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बन गया इंडिया। अब इसमें इशू भी यह हुआ था कि जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे, अभी जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी मोहम्मद जिना को सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान के दो पार्ट हुए, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। फिर बाद में 65 में जाके बांग्लादेश बना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, ऐसे दो पार्ट बने। पर जब ये राजाओं महाराजाओं को जब ये बोला गया था, मतलब क्या हुआ, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जिना हमारे दो नॉमिनेशंस है, जिन राजाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहिए वो इंडिया में आ जाए, जिन राजाओं को मोहम्मद जिना चाहिए वो पाकिस्तान में चले जाए। तो जिन राजाओं ने मोहम्मद जिना को चूज किया वो बन गया पाकिस्तान, जिन राजाओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चूज किया उनका क्या बन गया, बोले एक बार इंडिया। पर उस वक्त इंडिया में दो ऐसे राजा थे जिन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, वो बोले हम नहीं बोलेंगे, पूरी पब्लिक पीछे पड़ी, अबे बोलो अबे, मैं नहीं बोलूंगा। वो राजा मजे लेने में लग गए पूरे देश के, और वो राजा इस हिसाब में चल रहे थे कि वो उनकी खुद की सल्तनतें बनाएंगे। वो सोच रहे थे अगर पूरे इंडिया में दो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं तो चार क्यों नहीं, बात तो सही है, देश तो वैसे भी बनना बाकी था, अगर दो बन सकते तो चार क्यों नहीं, चार है तो 100 क्यों नहीं, और इंडिया में तो भाई 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज है, बना दो साले को 29 प्राइम मिनिस्टर एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज के अलग अलग, हो सकता था ना। मुझे एक बात क्या गलत है, दो राजा बन, दो प्राइम मिनिस्टर बन सकते तो चार नहीं बन सकते, बोलो हाँ यार। तो वो ऐसे दो राजा थे जिन्होंने ये सोचा, एक था जम्मू एंड कश्मीर का हरि सिंह, जम्मू एंड कश्मीर का कौन, हरि सिंह, हनी सिंह नहीं नालायक लोगों, कौन है बोले एक बार, हरि सिंह, यो नहीं करना है यहां बैठ के, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर का कौन बोले एक बार, हरि सिंह, और एक थे हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के कौन बोले एक बार, निजाम। अब आप देखो तो हैदराबाद इज क्वाइट क्वाइट अ सेंटर ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना इज क्वाइट अ सेंटर ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर थोड़ा ऊपर साइड जाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा ध्यान यह था कि नहीं भाई हम निजाम को तो नहीं जाने दे सकते, हैदराबाद तो चाहिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि यह गया तो आपका बे ऑफ बंगाल गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपका बंगाल का उपसागर जो है वो पूरा का पूरा हाथ से जाएगा ना, बंगाल का उपसागर जाना मतलब उसके पूरे रिसोर्सेज जाना, वो पूरे के पूरे पोर्ट्स हाथ से जाना, आपका पूरा सी ट्रांसपोर्ट जो बंगाल से जाएगा या नहीं जाएगा, अरे बोलो हाँ यार। तो जवाहरलाल नेहरू बोले पहले निजाम अंदर चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए निजाम को मिलने, निजाम से और निजाम व्हाट्सअप, क्या बोलता कैसा है भाई तू, क्यों क्यों खफा है मेरे से, चल चाय पीने चलते, ज्यादा दारू पे बैठते तू, आ तो सही हाँ है ना। सो बेसिकली उधर सेटिंग वेटिंग मारा, कुछ तो भी पट्टी पढ़ाई, निजाम बोला ओके आई एम विद पंडित जवाहरलाल नेहरू और भैया आंध्र प्रदेश तेलंगाना इन, ठीक है। और वही तो निजाम है जो चार मीनार हैदराबाद में बिना के बिठाया था, बोलो हाँ, अरे हैदराबाद उनो, तुमको हैदराबाद नहीं मालूम मिया, अरे हैदराबाद मालूम नहीं क्या, अरे कैसा होगा तुम्हारा, हैदराबाद मालूम है नहीं मालूम है। सो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अंदर, ठीक है, फिर मैं तेलंगाना ही है ना, हाँ तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश अंदर, अभी अभी उनका डिविजन हुआ है ना, यस और नो, ओके। अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू निजाम के साथ रुके हुए थे, उधर मोहम्मद जिना काड़ा करने की आदत, पाकिस्तान को पहले से ही काड़ा करने की आदत है, वो उन्होंने डायरेक्ट कश्मीर की तरफ देखा, बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू इधर है, अपन कश्मीर को अटैक करेंगे। वो गया भाई कश्मीर के ऊपर अटैक करने के लिए, जैसे ही कश्मीर पे अटैक करने गया, हरि सिंह की फौजें उनको भारी थी, उन्हें बम मारा फटके, निकल बोले यहां से है। पर हरि सिंह को तो एक बात समझ में आ गई उस जीवन में कि भाई बोले ये अभी से अटैक कर रहा है, अभी तो देश इंडिया आजाद हुआ भी नहीं है जीवन में, ये अभी से, अभी तो पाकिस्तान बना भी नहीं, अभी से अटैक करना शुरू कर दिया। तो हरि सिंह बोले मेरे को मोहम्मद जिना के साथ तो जाना ही नहीं है, मैं अकेला रह लूंगा, मैं मोहम्मद जिना के साथ नहीं जाऊंगा। अब जब यह पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भैया जम्मू कश्मीर बच गया, अभी तक पाकिस्तान में विलीन नहीं हुआ है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरि सिंह को तार भेजा, हाय व्हाट्सएप, अब भी बोले एक जन को जोड़ के आया हूं।
तुम्हारा क्या ख्याल है ना। तो हरि सिंह बोले आओ जरा, बोले मिलने आओ मेरे पास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए हरि सिंह के पास में। हाय ब्रो वॉज गोइंग यस और नो? सो हरि सिंह बोला देख भाई ये हाय ब्रो नहीं समझता मेरे को, मेरी कुछ तीन शर्तें हैं, इंडिया में अगर आना है तो मैं तीन शर्तों के भरोसे पे आऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले शर्तें? अभी तक के 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज ने तो मेरे को कुछ नहीं बोला, तेरी कौन सी शर्त आ गई? हरि सिंह बोला देख भाई बात को समझ, ठीक है बात को समझ, तू तो ऐसे मत कर, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड बोले, ठीक है आई लव यू बट एज अ क्या बोले एक बार फ्रेंड। तो बोले बात को समझ तू मेरे को प्यार तो है बोले भारत से, पर बोले बट एज अ फ्रेंड तो मेरी बात समझ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले इरशाद। तो हरि सिंह बोला देख तेरा देश जो है या इंडिया जो है, तब की बात है इसलिए तेरा देश बोल रहा हूं, एकदम पेट्रियोटिकली मेरे को गाली मत दे देना जीवन में। तो हरि सिंह उस वक्त बोला तुम्हारा जो देश है भारत, जो तुम इंडिया बनाना चाहते हो, उसके अंदर 365 दिन 24 घंटे तुम्हें रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं, तुम्हारा एटमोस्फियर अच्छा रहता है, तुम सब लोग काम कर सकते हो। मेरे जम्मू कश्मीर की तरफ देखो, मेरा जम्मू कश्मीर 6 महीने बर्फ के नीचे रहता है और 6 महीने बर्फ के ऊपर, हाँ ना, वो पिघल के तो बर्फ नीचे चल जाएगी ना, हाँ ना। तो मेरा जम्मू कश्मीर 6 महीने बर्फ के नीचे रहता है और 6 महीने बर्फ के ऊपर, तुम्हारे यहाँ लोगों को बोले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ तो भैया वांदे हो जाते हैं बर्फ गिरने के बाद, खाना क्या खाए, तुम्हारे यहाँ रिसोर्सेस बनते, हमारे यहाँ कहाँ बनते, हमारे दो ही चीजें बनती, केसर बनती है सेब बनते हैं, अब पूरे 362 दिन तो सेब नहीं खाएगा ना आदमी। और ऊपर से बोले मोहम्मद जिन्ना, ये सारा देश आजाद नहीं हुआ, मंदिर नहीं बसा, भिखारी पहले चले आ गए बोले। तो बोले मेरे को एक बात बता, बोले ठीक है इंडिया के अंदर तुम सब कर रहे हो, पर बोले मेरे लोगों का क्या होगा यार, मैं राजा हूं बोले। और वहां उसका सही था हरि सिंह का कहना, जो देश 6 महीने बर्फ के नीचे है, आप उसको इंडिया के सभी लॉज जैसे के वैसे लगा दोगे, जो हम 365 दिन अप्लाई करते हैं, वो तो जागती होगी ना भाई उनके ऊपर। हम 30% 20% टैक्स पे करते हैं, वो आदमी क्यों करे भाई टैक्स पे, वो कमाई 6 महीने रहा है, 6 महीने कमाने में जा रहे हैं, 6 महीने उड़ाने में जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना, उड़ाने मतलब खर्च करने में जा रहे हैं, तो भाई वो क्यों कंप्लाई करे। तो हरि सिंह का कहना सही था, बायोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड एरिया, चलो अभी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो अभी सब कम्युनिकेशन के मीन्स है, अभी रोड शोर्स बन चुके हैं, अभी हम उनको जो चाहिए वो सप्लाई कर सकते हैं, वो जो चाहे उगा भी सकते हैं, वहां पे अच्छी खासी खेती बाड़ी भी चल सकती है, अच्छा खासा टूरिज्म जम्मू कश्मीर में चलता है, तो उनके स्टेट का भी इनकम अच्छा हुआ है। पर ये अभी हुआ है क्या, 1947 में था क्या? नहीं था। तो हरि सिंह का कहना तो सही था। तो हरि सिंह बोले भाई कैसे, अब कैसे तू मुझे बता कैसे। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए जवाहरलाल नेहरू सोचे, बोले सर जी बोले वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सर बना रहे बोले, तो बोले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बुलाओ बोले उनको। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आए, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी से पूछा, अंबेडकर जी ये जम्मू कश्मीर जो है ना, ये इसके ना राइट्स अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग रखने हैं, ठीक है इसको अलग लॉज अलग राइट्स सब अलग। अंबेडकर जी ने बोल दिया मंडल आभारी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अभी ये हो सकता है, अंबेडकर जी ने सीधा बोला अभी ये हो सकता है कि 10 साल जम्मू एंड कश्मीर को तकलीफ होगी, तो तुम दूसरा कोई स्पेसिफिक लॉ बनाओ, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में मत लिखो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट है, ठीक है तुम दूसरा कोई लॉ बनाओ जिससे जम्मू एंड कश्मीर को एडवांटेज दिया जा सके, तुम 10 साल तक के कोई ऐसा लॉ बनाओ जिससे जम्मू एंड कश्मीर को कुछ दिया जा सके और उस 10 साल में जम्मू एंड कश्मीर की हालत सुधरे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में मत लिखो। अंबेडकर जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले मैं नहीं करूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले यार क्या अब क्या करूं मैं, सोच में पड़ गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाम याद आया गोपाल स्वामी अयंगर, बोले एक आदमी और है बोले लॉ बहुत अच्छे से लिख सकता है, इंडिया में बहुत प्रचलित है, जज रहा है बोले ब्रिटिशर्स के तरफ से, बुलाओ गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर आए, बोले सर तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हाथ बाहर लगा दो। गोपाल स्वामी अयंगर बोले मैं बनाने को तो रेडी हूं, पर अंबेडकर जी दे मेरे को तो कुछ करेंगे ना, वो खुद ही लिख रहे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोले ठीक है तुम टेंशन ना लो मैं बात करता हूं। तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो लोगों ने बनाया, एक बनाया अंबेडकर जी और दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, और गोपाल स्वामी अयंगर ने दो ही आर्टिकल लिखे, दो ही सेक्शन, एक धारा 370 जम्मू कश्मीर की और एक आर्टिकल नंबर 35A कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया का कोई भी पर्सन लैंड एक्वायर कर नहीं सकता, समझ में आ रहा है। और उसके अंदर हरि सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोपाल स्वामी अयंगर तीनों ने मिलकर कुछ ऐसी चीजें लिखी जो काफी डिस्प्यूटेबल थी, काफी डिस्प्यूटेबल थी।
और वो चीजें क्या है वो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या तो ऐसा करते हुए जम्मू कश्मीर के हरी सिंह ने जो भी राइट्स थे वो इंडिया को दे दिए एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का क्या हो गया बोले एक बार, इंटीग्रल पार्ट। पर उस वक्त का सिचुएशन ये था कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ रहवासी लोग ऐसे थे उस वक्त 1940, अभी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में उस वक्त कुछ रहवासी लोग ये थे जो ये सोचते थे कि उन्होंने पाकिस्तान में विलीन होना चाहिए। चलिए उस वक्त थे, क्यों नहीं रहेंगे मुझे बताओ। अभी अगर मैं 1947 में खड़ा हूं, हम मेरी जम्मू कश्मीर की हमारी पब्लिक है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसमें से 20-30% 50% लोग सोचे कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वो तो पब्लिक है ना, पब्लिक पे किसका जोर चला है। कुछ लोगों को लग सकता है कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, और तब से लेके इंडिया में जो डिविजन शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर का वो आज तक नहीं रुका। क्लियर है कॉन्सेप्ट? राजा ने तो सल्तनत दे दी इंडिया को, हरि सिंह ने तो बोल दिया कि जम्मू कश्मीर तुम्हारा, पर लोगों के अंदर के सेंटिमेंट को आप कैसे चेंज करोगे। और ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से अभी जो चीजें चल रही है कि उनका कन्वर्जन या फिर उनको भड़काना या उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करना या उनको पैसे देना और फुसलाना, ये तो अभी भी चल रहा है, बोलो हाँ या ना। उस चक्कर में मूवी रिलीज करनी पड़ी दो चार, कश्मीर फाइल्स वगैरह, ये सुनो, तो ये भी चीजें लिखी गई है, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा क्या चीजें लिखी गई थी धारा 370 में, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स कि क्यों धारा 370 निकालना जरूरी था। ठीक है, जम्मू कश्मीर की देखना चाहोगे, बोलो हाँ या ना। सर अभी तुम क्लाइमेक्स के लाके पूछोगे कि हाँ पढ़ना है क्या, तो चलो सबसे पहली बात, कुछ खास बातें, ये बहुत अजीब बातें थी। इंडिया में रह के तुमको शायद, अभी तो तुम माइंड भी थोड़े छोटे हो तो पॉलिटिकली आपको शायद कितना समझेगा पता नहीं, पर बताना, बताने का मैं 100% ट्राई करूंगा आपको। सबसे पहली बात, इंडिया में तुमने कभी महाराष्ट्र का फ्लैग नहीं देखा होगा, ना तुमने मध्य प्रदेश का देखा होगा, ना तुमने तेलंगाना आंध्र प्रदेश का देखा होगा, ना राजस्थान ना गुजरात, किसी भी राज्य का खुद का कोई फ्लैग है आपको नहीं पता। जम्मू एंड कश्मीर राज्य का खुद का अलग फ्लैग था, और जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उसके ऊपर पहले जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग चढ़ता था, फिर इंडिया का फ्लैग चढ़ता था, ट्राई कलर उतरते वक्त इंडिया का फ्लैग पहले नीचे उतरेगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग नीचे उतरता था। यह अपने देश में हो रहा है और यह धारा 370 में लिखा है। समझ में आ रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है जीवन में, बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, अभी तो और खूंखार खूंखार आना बाकी है, अभी देखते जाओ। हमारे यहां हमारी एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन। अपनी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन। जम्मू कश्मीर में लोगों को दो सिटीजनशिप थी, एक जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप और एक इंडिया की सिटीजनशिप। आपको पता है आपका अगर इलेक्शन, अभी 18 साल के ऊपर हो गए क्या सब कि नहीं हुए, जब 18 साल के ऊपर हो गए तुम्हारा नाम इलेक्शन लिस्ट में आएगा, भले ही वो सेंट्रल इलेक्शन लिस्ट हो, मतलब केंद्र सरकार वाली इलेक्शन लिस्ट हो, भले ही तुमको मोदी जी को चूज करना हो या भले ही तुमको उद्धव ठाकरे जी को चूज करना हो, दोनों लिस्ट में एक ही नाम रहेगा, उद्धव ठाकरे जी इज अ चीफ मिनिस्टर, उसका इलेक्शन अलग होता है, पता है सबको, हाँ है ना। और मोदी जी इज अ प्राइम मिनिस्टर, उसका इलेक्शन अलग होता है, तो दोनों लिस्ट में एक ही नाम रहेगा आपका। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन लिस्ट दो बनती थी, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को चूज करने की इलेक्शन लिस्ट अलग, जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन के लिए बनती थी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को चूज करने की इलेक्शन लिस्ट अलग, जो इंडिया के सिटीजन को वहां पे मिलती थी। समझ रहे हो, मतलब तुम अगर इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर रहने चले गए ना तो तुम इंडिया के सिटीजन कहलाओगे, तुम जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन नहीं बन सकते। आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये तफावत थी। सो इस वजह से डिफरेंट वोटिंग लिस्ट फॉर द सेंटर एंड द स्टेट, चीफ मिनिस्टर की अलग सिलेक्शन की, प्राइम मिनिस्टर की अलग। समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाली चीज, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लॉज अप्लीकेबल नहीं होते थे, जैसे वेल्थ टैक्स, अर्बन टैक्स वहां अप्लीकेबल नहीं होते थे। देखो तब की बात सही है, पहले 10-20 साल की बात सही है जब उनको रिसोर्सेज के इशू थे, पर आपने थोड़ा सोचना, इंडिया का 30% डिफेंस, 30% आर्मी जम्मू कश्मीर में तैनात है, बोलो हाँ या ना। ये सर नो, इंडिया का जितना भी रिसोर्सेज बनता है उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का 10-15% का पोर्शन है, बोलो ये सर नो। जब हम डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टैक्सेशन भी तो सेम लगना चाहिए, बोलो हाँ ना, पर ये नहीं लगता था। नेक्स्ट वाली चीज, गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर का होता था, हमारे यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है, मैंने बोला था भगत सिंह गोशाली जी, ये भारत के सिटीजन है। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि महाराष्ट्र के नहीं है ये? जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होता था ना, जो जम्मू एंड कश्मीर का लॉ एक्सेप्ट करता था, वो खुद जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन नहीं होता था। ठीक है, उसको सेंटर अपॉइंट करते थे, वो उनको सिटीजन नहीं मानते थे। मतलब जो लोग लॉ एक्सेप्ट कर रहे, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉ लिख रहे हैं, वही जम्मू कश्मीर के सिटीजन नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट वाली चीज,
इंडिया में ट्राई कलर जलाना सबसे बेकार। हमारे देश में अगर तुम ट्राई कलर देश का तिरंगा जलाने की या खराब करने की कोशिश करो ना भैया, 3 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ऊपर से तुम्हारी क्लिप जो वायरल होगी ना, लोग जो पत्थर मारेंगे वो बात अलग। पर जम्मू एंड कश्मीर में बर्निंग ऑफ अ नेशनल फ्लैग वॉज नॉट एनी ऑफेंस, ऑफेंस नहीं था। देश का झंडा देश में जल रहा है, वो भी ताज में, देश का ताज है जम्मू कश्मीर, वहां जल रहा है, इट वॉज नॉट एन ऑफेंस। इसलिए आपने कई सारी मूवीज देखना जैसे मिशन कश्मीर, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली शूटिंग किया गया है, उन मूवीज का जब आप शूटिंग देखोगे ना, उसके अंदर ट्राई कलर जलाते हुए उन्होंने दिखाया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जला सकते थे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोले यस सर। नो, 3 लॉज ऐसे है जो हम जम्मू कश्मीर को बिना पूछे उनको लगाते हैं, लगाना ही पड़ते हैं। सबसे पहला लॉ जिसको हम कहते हैं, दैट इज रेवेन्यू लॉ, मतलब टैक्स लॉज हम जम्मू कश्मीर को लगाते ही है अब। दूसरा डिफेंस लॉज, डिफेंस तो खुद मांगा है हरि सिंह ने, और डिफेंस लॉ लगाएंगे नहीं तो फिर जाएगा कहां से इंडियन आर्मी वहां पे। और तीसरा फॉरेक्स लॉज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के लॉ, बिकॉज जम्मू कश्मीर में भी रुपीज ही चलते हैं, देश की करेंसी चलती है ना, तो ये 3 लॉज के लिए हम पूछते नहीं है उनको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो यस सर। नो, यहां तक आइडिया क्लियर है? इससे भी भयंकर चीजें दिखाऊं, यह आर्टिकल नंबर 370। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट या देश में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 5 साल तक चलती है। अरे बोलो हाँ या ना? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट 6 साल तक चलती थी। मुझे बताओ इंडिया में हाईकोर्ट से हाईकोर्ट, 24 हाईकोर्ट है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम है ना, एक ही रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक। 24 हाईकोर्ट है। अगर इंडिया के किसी के भी हाईकोर्ट का डिसीजन आया ना, पूरे देश को मानना पड़ता है, हाईकोर्ट का भी डिसीजन पूरे देश को मानना पड़ता है। पर जम्मू एंड कश्मीर में 24 के 24 हाईकोर्ट के डिसीजन नहीं चलते। हमारे यहां अगर महाराष्ट्र ने डिसीजन दे दिया ना अपने यहां पे, तो उधर आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तक के, इधर राजस्थान, नीचे तेलंगाना, ये तमिलनाडु, वहां तक के सभी को डिसीजन मानने पड़ेंगे। पर इंडिया के 24 हाईकोर्ट के डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर को नहीं मान सकते, उनको अप्लीकेबल नहीं थे। सबसे भयंकर अगर मैं आपको चीज बताऊं सुनने लायक, इंडिया का कोई भी पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, यह पता है सबको? बोलो हाँ है ना? इसका सबसे भयंकर नतीजा, अगर जम्मू कश्मीर की लड़की इंडिया के किसी लड़के के साथ शादी करती थी, जम्मू कश्मीर की इंडिया के लड़के के साथ क्या करती थी शादी, तो उसकी जम्मू कश्मीर की उस लड़की की सिटीजनशिप चली जाती थी, उसकी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप चली जाती। सर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात इसमें नहीं है, बड़ी बात अभी इसमें है। अगर वही जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के लड़के के साथ शादी करती थी, तो पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाती थी, अल्टीमेटली उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती थी। और एक सबसे बड़ा रूट था जिस रूट के थ्रू आतंकवादी जम्मू कश्मीर की लड़कियों के साथ शादी करके जबरन जम्मू कश्मीर में रहते थे। तो इतने सारे, और ये तो मतलब अच्छा, पूरे इंडिया में अल्पसंख्यक जो लोग हैं माइनॉरिटी, उनको रिजर्वेशन मिलता है। जम्मू कश्मीर में हिंदूज माइनॉरिटी में थे 16%, वहां रिजर्वेशन के राइट्स कभी क्रिएट नहीं किए गए। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट रिलीजन, बट बात तो है, ये सुनो। ऐसी कितने तो भी इसके अंदर कानून है जो जम्मू एंड कश्मीर के बहुत अटपटे से है, जो पूरे देश में नहीं लगते। और बस यही रीजन है जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ यूनियन टेरिटोरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना। पहले आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जम्मू कश्मीर को नहीं लगता था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जम्मू कश्मीर को नहीं लगता, अभी तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट भी तुम्हारे सिलेबस के लॉ है ये, जम्मू कश्मीर को नहीं, कंपनीज एक्ट जम्मू कश्मीर को नहीं लगता, एलएलपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी ये सब के सब जम्मू कश्मीर में लगते भी है, इंप्लीमेंट भी होते हैं। समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस सर। नो, आइडिया पक्का क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। कितने बजे? 3:30 बज गए। ओके, इस चीज का फोटो खींच के रखो, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, ठीक है? फोटो खींच लो या लिख लो फटाफट, 1 मिनट के अंदर लिख लो, लिख के रखो, स्पेशल राइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाई आर्टिकल 370 इज डिस्कार्डेड। लाइव स्ट्रीम वालों समझ में आया क्या? जरूर बोलिएगा प्लीज।
चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, शानदार। चलो हो गया सबका, लिख लिया सबने। ओके, आज का लेक्चर तो अपना जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री में ही चला गया जीवन में, ठीक है, बट समझ में आया अच्छे से, थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया पक्का। इसके बाद याद रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉ अप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे, अरे बोलो हाँ या ना, पर अभी सभी लॉज अप्लीकेबल होते हैं क्या? यस। तो कई बार आप आपके बुक में मॉड्यूल में देखोगे कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज नॉट अप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर, तो पहले की बात है, पर अभी वो अप्लीकेबल होता है क्या? यस, अभी होता है, ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, अभी आर्टिकल 370 चला गया ना, चला गया मतलब लॉ अप्लीकेबल होता है, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस सर ना। चलो आज के लिए फिर हम इतना काफी करते हैं बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बोलो जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस। इको का लेक्चर होगा अभी आपका थोड़ी देर में, 6 से 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है।